आपको बता दें मथुरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला का संपूर्ण इतिहास देखने को मिलता है। प्रभु के बाल रूप से लेकर पूरा जीवन इस जगह पर ही बीता है। आपको बता दें आस्था के नाम पर भगवान के बहुत सारे स्वरूप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ प्रभु ने अपना संपूर्ण जीवन अपनी लीलाओं से बिताया है। उनके कर्तव्य देखने के लायक भी आज लोग बहुत बहुत दूर से यहाँ आते हैं। आपको बता दें यहाँ एक मशहूर कुंड भी है। वैसे तो मथुरा में कई सारे कुंड हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मथुरा के प्रिया कुंड की। आपको बता दें इस कुंड का पहला नाम पीली पोखर था। इसकी कहानी भी कुछ इस प्रकार से है। एक बार राधा रानी सखियों के साथ संकेत वन में खेलने के लिए गई थी। तभी एक तरफ से भगवान कृष्ण वहां आ गए। तभी दोनों का मिलन एक साथ हुआ। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से अपने घर जाने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु के ऐसे कहने पर राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ चल दी। रानी कृष्ण जी के साथ नंदगांव पहुंच गई। ऐसा देख माता यशोदा मैया की आत्मा प्रसन्न हो गई और माता ने कहा, ऐसी सुंदर लड़की मेरे नंदलाल की बहू बनकर आए तो मेरे भाग्य सदा के लिए खुल जाएंगे। तभी माता ने राधा जी के दोनों हाथों में मेहंदी लगाकर उनका श्रृंगार किया। ऐसा करने के बाद जब राधा अपने घर लौटी तो उनके मन में एक ख्याल आया कि माता मुझसे यह पूछेंगे कि आखिर ये मेहंदी तुमने कहाँ लगाई थी। अपनी माँ की डर की वजह से तभी उन्होंने अपने हाथ पीली पोखर में धो लिए। तभी से इस कुंड का रंग आज भी मेहंदी जैसा है। इसी को अब प्रिया कुंड के नाम से मथुरा में जाना जाता है। इसका काफी ज्यादा महत्व भी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये पानी भी बिल्कुल मेहंदी जैसे रंग का है और ये तभी से मेहंदी जैसे रंग का हुआ है जब से राधा रानी ने अपने हाथ इस कुंड में धोए थे। नेक्स्ट लाइन भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।